हेलो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता है कि सोया जंक खाना हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन जो मिल जाता है, और अगर प्रोटीन के साथ साथ आपको टेस्टी भी खाने मिले और अच्छा और हेल्दी भी खाने मिले तो बात ही कुछ और है। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी सोया चंक फ्राई। तो जिसके लिए हमने पानी ले लिया है, अब इसमें सोया चंक को डाल करके अच्छे से बॉईल आते तक के हमें पका लेना है। अब इसमें अच्छी खासी बॉईल भी आ चुकी है, तो इसे 2 मिनट तक और पकने देंगे। उसके बाद इसे ठंडे ठंडे पानी में डाल देंगे। अब इसे ठंडे ठंडे पानी में ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छे से वॉश करते हुए हाथों की हेल्प से दबाते हुए ना इसे एक प्लेट में भी ट्रांसफर कर लेंगे, ताकि इसका सारा पानी अलग हो जाए। अब सारे चंक को हमें ले लेना है प्लेट में और अच्छे से फैला लेंगे। फिर डाल देंगे आधा चम्मच नमक। फिर हमें डाल देनी है आधा चम्मच मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी हल्दी। फिर डाल देना है हमें भुना जीरा हुआ पाउडर, लगभग आधा चम्मच डाल देंगे, ताकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आए। थोड़ी सी डाल देंगे काले मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या चाहे तो ना भी डालें। थोड़ा सा डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, क्योंकि इसके ऊपर हमें अच्छी सी कोटिंग करनी है, और साथ में थोड़ा सा ही डाल देंगे हम राइस फ्लोर। आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कोटिंग करनी है तो थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर लीजिए। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इन सारी चीज़ों की कोटिंग हो जाए सोया चंक के ऊपर। देखिए अच्छे से अब कोट हो चुके हैं, तो अभी क्या करना है, हमें इन्हें सेलो फ्राई करना है। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, अब इसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। सोया चंक की अच्छे से कोटिंग हो चुकी है और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होते तक के। ऐसे ही चम्मच चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाल के थोड़ी सी प्याज डाल लेंगे, जिन्हें हमें कुछ इस तरीके से कट किया था। थोड़ी सी हरे मिर्च डाल देंगे और 2 मिनट तक ना बस इसे हल्का सा रोस्ट करना है। हल्का ही करना है, हमें ज्यादा नहीं करना है। अब थोड़ी सी टमाटर डाल देंगे, लगभग हमने आधी टमाटर ही इसमें यूज की है, हमें ज्यादा टमाटर यूज नहीं करना है। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें सोया सॉस, जिससे इसका टेस्ट और भी बेहतरीन आता है। लगभग आधा चम्मच ही हमने सोया सॉस लिया है, क्योंकि ये डार्क सोया सॉस है। और थोड़ा सा ले लेंगे विनेगर, हल्का सा 1 चम्मच। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर से डाल देंगे हम सोया चंक जो हमने फ्राई करके अलग रखे थे। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे सोया चंक फ्राई बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ऊपर से इसके डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। और रेडी है ये प्लेटिंग करने के लिए। तो इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और गर्मा गर्म ही ना इसे सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और 5 मिनट में बनकर के बिल्कुल रेडी भी हो जाते हैं। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट करें।